दुर्ग नगर निगम की लापरवाही के चलते एक वृद्ध महिला का पैर पानी सप्लाई के लिए बने बॉल के गड्ढे में जाने से महिला को गंभीर चोटें आई थी, जिसका स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था। जिसका असर ये हुआ कि निगम के अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए उस गड्ढे को तुरंत पाटकर सुविधाजनक बनाने का कार्य शुरू कर दिया। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते शनिवार को दुर्ग के अग्रसेन चौक पर एक वृद्ध महिला का पैर गड्ढे में गिर जाने से महिला के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसे महिला के पैर में राड घुस गया था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। इस संवेदनशील घटना के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया, जिसके चलते अग्रसेन चौक स्थित पानी सप्लाई के लिए बनाए गए गड्ढों को पूरी तरह से बंद कर सुविधाजनक कर दिया गया। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में हो रहे विकास कार्य के बावजूद शहर के सड़कों और वार्डों में इस तरह की अनियमितता आए दिन उजागर होती रहती है, जिसके बाद भी निगम प्रशासन हरकत में आकर आनन फानन में उस दोषपूर्ण कार्य को गंभीरता से पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखना होगा कि कितनी गंभीरता के साथ दुर्ग नगर निगम के महापौर, निगम आयुक्त व शहर विधायक शहर की सुंदरता और विकास कार्य पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमने अधिकारियों से कहा है, साथ ही साथ जितने जगह गड्ढे हैं उसका भराव किया जाना चाहिए। आयुक्त से मैंने कहा है कि आप ये पूरा एक प्रपोजल बनाएं दुर्ग की सड़कों के बारे में और जाएं, न केवल प्रपोजल बनाएं बल्कि उसका क्रियान्वयन भी करें। PWD के भी अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि 70 करोड़ का जो रोड बन रहा है, सौंदर्यीकरण, डामरीकरण, यह कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।